हल्द्वानी में दहेज के लिए एक व्यक्ति ने सारी हदें पार कर दी। उसने शादी करके लाई दूसरी पत्नी को गाजियाबाद में कैद करके रखा और रोज मारपीट करने लगा। जब पत्नी को रक्षाबंधन पर मायके लेकर गया तो मायके में भी पत्नी से मारपीट की गई। पति ने अपनी पहली शादी से बच्चा होने की बात भी पत्नी से छुपाई और अब दिल्ली में रहने वाली लड़की से तीसरी शादी करने की धमकी दे रहा है। हल्द्वानी कुंवरपुर गोलापार चोरगलिया निवासी हंसी बिष्ट ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसकी शादी वर्ष 2022 में आदर्श नगर मुखानी हल्द्वानी निवासी आनंद बिष्ट से हुई थी। आरोप है कि आनंद की दूसरी शादी है। पहली शादी से हुए बच्चे की बात उसने हंसी देवी से छुपाई थी। शादी के बाद से ही पति ने शराब पीकर मारपीट करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद आनंद पत्नी हंसी देवी को गाजियाबाद ले गया। यहां पति ऑफिस जाने से पहले हंसी देवी को कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा जाता था और रात में शराब के नशे में घर लौटता था। रक्षाबंधन पर वो हल्द्वानी वापस लौटा लेकिन यहां भी मारपीट का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद पति ने 2 बीघा जमीन और 10 लाख रुपए की मांग करते हुए पत्नी हंसी देवी को घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।